हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। एक बहुत अच्छा फूड फेस्टिवल चालू हुआ है और यहाँ पे इतनी अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी धूप है, आपको दिखाऊँ। हवा बहुत अच्छी चल रही है और मैं इसलिए इस टाइम पे जा रहा हूँ क्योंकि दोहा में स्पेसिफिकली रेगिस्तान है, लेकिन ये टाइम पे अभी देखिए आप बज रहे हैं 3:30 दोपहर के। और इस टाइम पे जो मौसम है यहाँ पे, सनसेट बहुत जल्दी होता है, अराउंड 5:00। तो मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ वहाँ फूड फेस्टिवल में, ताकि सनसेट होने से पहले मैं देख सकूँ कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट रहता है, कैसा रहता है। अगर आपको डिस्टर्बेंस आ रही होगी नॉइस के लिए, इसकी वजह से, विंड की वजह से, तो रियली सॉरी। तो वहाँ जाके मैं आपको बताऊँगा कि कैसा है और मेरी जर्नी कैसी है वहाँ तक पहुँचने की, वो मैं आपको बताऊँगा। बाकी मौसम इतना अच्छा हो रखा है, मैं ये अरब नेशंस में एक चीज़ मैंने देखी कि दुबई हो या ये दोहा है, यहाँ पे जितना घूम सकते हो विंटर्स में घूम लो, क्योंकि ये 3 महीने ही रहते हैं, इसके अलावा आप घूम भी नहीं पाओगे। सो स्टे ट्यून्ड। आ चुकी है हमारी बस और अब हम इसमें चलेंगे और आगे का मैं आपको बताता हूँ। ये फ्री शटल बस है मेट्रो स्टेशन से हमारे घर तक के। चलो गाइस, भाई अब हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। हाँ देखिए, 15 से 20 मिनट लगेंगे पहुंचने में और उसके बाद और फिर 10 मिनट समझ लीजिए वॉक करते करते जहां हमें एक्चुअली जाना है फूड फेस्टिवल के लिए। लेट्स गो। ये भैया स्टैंडर्ड लिखा है इसमें, अपने को जाना है 3 मिनट बता रहा है वो, ट्रेन आने में 3 मिनट रुकना पड़ेगा। 3 मिनट भीड़ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे। ये अरब कप चालू है यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे आज फ्राइडे भी है, छुट्टी है, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे आज। इसके बाद भी कभी मैं आपको दिखाऊँगा, उस टाइम पे इतने नहीं रहते थे। पहुंच चुके अपने स्टेशन पे जहां हमको जाना था, अब एग्जिट की ओर चलेंगे और उसके बाद पार्क पहुंचूंगा, फिर वहां से मैं आपको बताऊंगा। एक बात तो तय है, जहां आप जान रहे हैं ना वहां भीड़ आज तरीके वाली होने वाली है, क्योंकि आज है फ्राइडे, आज है सबकी छुट्टी और ये इवेंट कुछ ही दिनों के लिए लगता है, तो लोग यहाँ पे टूट के ही आते हैं। ओ भाई, आखिरकार हम आ चुके हैं वो जगह पे, सनसेट होने वाला है, उसके पहले आ चुके हैं जो मैं चाहता था। अब देखते हैं कि क्या होता है। मेन जो पार्क जाना है वहाँ तक चलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे, है यहाँ से थोड़ा रास्ता चलने का, बट लेट अस सी। वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे एक्चुअली इवेंट है और फिर आगे का आगे बताता हूँ मैं आपको। अभी तक बने रहिएगा दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मेरे को मेरे काम की चीज़ मिल गई भाई, शाम टाइम हो गया यार, टी टाइम, यहाँ की सबसे बेस्ट चाय है यार, ये कहीं नहीं मिलती, इसको मैं ज़रूर ढूंढूंगा कहाँ से खरीदी है जिस किसी ने भी, और ज़रूर पीऊँगा। अरे वाह, यहाँ नज़दीक ही है यार, और भी मिल रहे हैं मेरे। इतने टाइम के बाद आके ना इतनी खुली हवा में मज़ा ही आ गया बस। ओए होए होए, मतलब जो फूड ब्लॉगर्स नहीं करते हैं यार, सही में क्या हवा चल रही है। अरे वाह, यहाँ पानी भी है, ये देखो यार क्या नज़ारे। फोन के कैमरे में इतना ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे, लेकिन यार मज़ेदार जगह है, कोरोना में स्पेशली ऐसी खुली जगहों पे आना। अरे यार ये चीज़ तो मेरे को गजब लग रही है यार, ये पहली बार देख रहा हूँ ATM अभी गाड़ी में, मतलब सही है ना, कोई मुझे पहले एक सेकंड लगा शायद कोई आदमी ना हो, सही चीज़ है। ये इंडिया में मिलते हैं, ये देखो यहाँ भी बढ़िया बढ़िया है यार। यार
अच्छी है यार, डेकोरेशन, लाइटिंग, बैठने की जगह बहुत अच्छी है यार। ये वीआईपी जोन सही है, ये वीआईपी लग भी रहा है, बढ़िया। ये यहाँ बना रहे हैं खाना और इसको बता रहे हैं बड़े स्क्रीन में, यार बहुत सही दिख रहा है, बहुत सही। ये चीज़ें अपने यहाँ भी बननी चाहिए यार, ये लड़के को देखो। पता है इतना रिलैक्सिंग लग रहा है ना कि कोई हद नहीं। इसमें ना जल्दी आए क्योंकि इस जगह को देखने के लिए कम से कम तो अभी 3 घंटे तो कहीं नहीं गए यार। ये देखो, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, बढ़िया यार। मतलब जो यहाँ का एक एनवायरनमेंट है ना, मज़ा आ गया। कोरोना जब से आया तब से कहीं ऐसी ढंग की जगह घूमने जा ही नहीं पाए यार। वर्थ इट है, इतना चल के आना ना यहाँ, पूरा वर्थ इट है, बहुत सही। और ये ना दिन को आना चाहिए कि रात को ना वो मज़ा नहीं आएगी, यहाँ लाइट शोज वो सब होंगे, बट ये जो एक अलग ही फील है यार। अभी आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, भाई मेरे को ना खाने की आ रही है खुशबू, तो जहाँ खुशबू वहाँ मैं, बस वहीं जा रहा हूँ। ओए ओए, वाह ये तो चिकन है यार, बारबेक्यू चिकन। पहले तो यार मैं पूरा देखूँगा, उसके बाद ही डिसाइड करूँगा खाना कहाँ से, क्योंकि यहाँ इतने सारे स्टॉल्स हैं, 150 से ज़्यादा, फिर देखते हैं। ये ऐसी जगह है यहाँ सही में यार, इंसान पूरा घूम ही नहीं सकता एक बारी में। मुझे मेरे फिलहाल काम की जगह मिल चुकी है, टी टाइम, मैंने यहाँ से पीनी है चाय। बच्चों के लिए और फैमिली के लिए बहुत सही जगह है, अगर आप फैमिली वाले हो तो बिल्कुल आना, वर्थ है पैसे का। वैसे तो पैसे मैं क्यों घूम घूम के जा रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट भी तो जा ही सकता हूँ। एक चीज़ ना मेरे को यहाँ की बहुत अच्छी लगती है, ये जो मटेरियल है ना, ये है सॉफ्ट, कि बच्चे गिरे भी तो उन्हें चोट नहीं लगेगी। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है यार। अपने यहाँ पे देखो हर जगह पूरा लगा हुआ है खेलने वाली जगहों पे, फिर यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो यार ये चाय मिल चुकी है, बहुत ही गर्म है, आई आई आई, इसको अभी मैं पीऊँगा एक जगह बैठ के, अच्छी सी जगह ढूंढ के, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो भाई अब देखो ये ऑलमोस्ट रात हो ही गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम रोशनी कम हो गई है, पर देखो टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 5:10 हो रहे, तो यही है भाई 5 बजे ही ऐसा घना अंधेरा हो जाता है, लगता ही नहीं है कि 5 बज रहे हैं। इंडिया में ये टाइम 6 बजे होता है, यहाँ जल्दी होता है भाई। ये वाइब्स ना बहुत शानदार है, बहुत प्यारी हैं यार ये वाइब्स, ओए होए होए होए, मज़ा आ गया यार। चिकन नॉट फॉर मी, और यहाँ गर्मी तो बहुत है, यहाँ खड़े खड़े मुझे इसकी चटक लग रही है, इसको देखो इसके तो पसीने छूट रहे हैं यार। तो ये बड़ी तेज है, हाँ भाई ये अपना बन चुका है, ये मैं ट्राई करूँगा कि इससे पे हो रहा है कि नहीं, लास्ट टाइम तो ये हो नहीं रहा था। हाँ अभी इसको फाइनली करा दिया चालू, नो इट इज सपोर्ट पे टैप एंड पे। अब देखते हैं चल रहा है कि नहीं, ओ चल गई,
चल गया चल गया चल गया, चलो यार फाइनली। यहाँ से हमने ले लिया है अपना शवरमा, ये आ गया है कार्ड, अपना चल गया है, फाइनली पेमेंट हो गई है इससे जो चल नहीं रहा था। अब हम इसके बाद जाएंगे यहाँ टर्किश आइसक्रीम है वो टेस्ट करेंगे, पहले इसको निपटाते हैं भाई। कोल्ड ड्रिंक और अपना चिकन शवरमा यहाँ का बड़ा फेमस है। ये देखो जैसे मैं बताना चाहता था, मेरा बिल बना है 23 रियाल का और मुझे जो SMS आया है मेरे अकाउंट में वो आया है 483.99, यानी कि करीब 460 बनना चाहिए, जो कि बना है 20 रुपीज़, मतलब उसमें एक्स्ट्रा गए हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसे कहीं भी पे करेंगे तो आप हर ट्रांजेक्शन पे 10 से 20 रुपीज़ पकड़ के चलिएगा, हर बैंक का अलग रहता है ये। अपन को बोला है वनीला एंड चॉकलेट लगा के देने के लिए। कम ऑन, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्लीज। तो भाई अपन ने ये ले लिया आइसक्रीम टर्किश। टेस्ट इसका मैं आपको अगर बताऊं तो काफ़ी हद तक बोला जाए कि ये हमने वैसे तो पहली बार चॉकलेट और वनीला को मिक्स करके बनवाया, इसमें 2 स्कूप उन्होंने वनीला के दिए हैं एंड आई थिंक 2 स्कूप इसके हैं, बट वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं इनके, तो थोड़ा अलग टेस्ट है, इंडिया से थोड़ी अलग आती है, बाकी ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बट हाँ इट्स वन ऑफ एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है। निकल रही है तो मैं अभी इसको खा के खत्म करूंगा, मतलब आधा मैं देख के आया हूँ और अभी ये तो शुरुआत ही है। बाप रे बाप, ये सही है। जब तक कोरोना नहीं फैलता भाई घूम लो जो है जिधर। अरे बाप रे, ये लाइन तो खत्म ही नहीं हो रही है फिलिपिनो फूड की तो भाई सही में भयंकर लाइन। ये लाइन ये देखो, ये कहाँ तक जा रही है, हाँ वहाँ तक जा रही है, ये यहाँ तक। अरे नहीं भाई उसके भी पीछे, अभी ये तो नहीं होती राइट। बिगर प्राइस देन दिस वन, आई विल ट्राई विद द स्मॉलर वन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टू मोर चांसेस, yes, so like one I got, what's her name, hey I got one, okay, so it was only one of them. Coloring box, I'm like too, a little old for that, so yeah. I'll take this one. Thank you so much. Games khel liye, pura ghum bhi liya jitna ghum sakta hu. Aaj koi yahan pe light show ya wo to nahi ho raha hai. Fireworks jo ki main dekhne aaya tha, aaj Friday tha specially, isliye main soch raha tha ki hoga, but anyways ab yahan pe main soch raha hu koi Indian restaurant mil jaye, kuch chhola bhatura, koi badhiya si dal tadka wagaira khaun to maza aa jaye. पर ये भी मुझे दिख नहीं रहा है, 90% पेट भर चुका है, अभी देखते हैं 10% काय से भरते हैं। भाई जहाँ अब हमको जाना है हम आ चुके हैं, शाम के बज रहे हैं 6:15, यस तो 1 घंटे में सब हमने निपटा दिया है, अब चल रहे हैं इस तरफ। रोड जो है ना ये ब्लॉक कर दिए गए हैं क्योंकि अभी यहाँ पे अरब कप हो रहा है और कायदे से यूज में रहते हैं, मतलब एक्चुअली यहाँ से कारें जाती हैं, तो ये पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इसको एक तरीके से आप बोल सकते हैं जैसे मुंबई का मरीन लाइन से, तो ये यहाँ का, ये तो गलत चीज़ है यार, मज़ा आ गया। लाइट और उसके बाद तो हवा यार बढ़िया चीज़ है,
ये चीज़ वहाँ रिपीट थी, हमने मैंने वहाँ भी देखी है पहले, तो बदक ऐसे लटक रहे थे जहाँ से चाय नहीं पी थी हमने वहाँ पे। ये देखो बैठने की क्या बनाई है इन्होंने, इधर भी और इधर भी। ये आ चुके हैं हम इसके यहाँ के, ये है कॉर्निश, बढ़िया जगह है यार, हवा तो बहुत ही प्यारी चल रही है और नज़ारा उससे भी बढ़िया है। भाई कहाँ से आवाज आ रही है, thank you so much, there's food on the left and right, the weather is amazing, have a good night, I'll be back soon in about 10-15 minutes, there's some traditional dance going on over there, you might want to catch that, see you soon.